मेरे परिचित थे, मैं जब वहाँ चुनाव लड़ा था तो उन्होंने सहयोग किया था। अभी 10 दिन पहले भी मुझे मेरे घर पर मिलने आए थे। मैं उनकी हत्या और मृत्यु सुन के मैं खुद मर्माहत हूँ और मैं वहाँ जाने वाला भी हूँ। जो लोग भी इसमें शामिल हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और पहले से राम राज्य था वो राज्य भी हम लोग देखे हैं और पूरा बिहार आप भी देखे हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा न्यायप्रिय व्यक्ति रहे हैं और कभी भी गुंडों का को उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया, ये सभी लोग बिहार के जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज की वापसी होगी। जब यही सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से किया गया, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ करें, पहले आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुने। निंदनीय है और उसे इस तरह की घटना से पूरी मानवता शर्मसार होती है। मैं शासन और प्रशासन दोनों से अपील करूंगा कि इसमें जो भी संलिप्तता जिनकी भी हो उनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कहीं भी मुजफ्फरपुर की घटना के बारे में भी मैं कह रहा हूं, आशुतोष शाही व्यक्तिगत रूप से मेरे परिचित थे, मैं जब वहां चुनाव लड़ा था तो उन्होंने सहयोग किया था। अभी 10 दिन पहले भी मुझे मेरे घर पर मिलने आए थे। मैं उनकी हत्या और मृत्यु सुन के मैं खुद मर्माहत हूँ और मैं वहाँ जाने वाला भी हूँ। जो लोग भी इसमें शामिल हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सर, एक सवाल, इस्तीफा मांगा जा रहा है तमाम चीज़ों को लेकर, बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, वो इस्तीफा देते। अब इस तरह का सवाल तो बेतुका है। कहीं किसी राज्य में कोई हत्या हो जाती हो या कोई वारदात हो जाती हो तो वहाँ का मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा के और उनका इस्तीफा मांगना, ये सब तो चलता नहीं। आरजेडी के साथ जब से मिले हैं तब से कह रहे कि गुंडा राज आ गया, और पहले से राम राज्य था वो राज्य भी हम लोग देखे हैं और पूरा बिहार आप भी देखे हैं। सो ये सब कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी हमेशा न्यायप्रिय व्यक्ति रहे हैं और कभी भी गुंडों का को उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया, ये सभी लोग बिहार के जानते हैं। धर्म के आधार पर राजनीति करे तो कोई बात नहीं, वो देश का नाम इस्तेमाल करके राजनीति करें तो कोई बात नहीं, और यहाँ कोई इंडिया नाम भले ही है लेकिन उसका फुल फॉर्म अगर आप जाइएगा तो वो ठीक है, वो इंडिया बन जाता है, बट ऐसा तो कोई है नहीं। सभी जो दल इकट्ठा होके और बीजेपी को हराने के लिए इस देश को मोदी जी के राज से छुटकारा दिलाने के लिए एकत्र हुए हैं, यही तो बात है और कोई ये है नहीं। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। उतना ही नहीं, बीजेपी के लोग हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों तमाम जो बीजेपी के लोग थे वो विधानसभा मार्च कर रहे थे, उस दौरान जो एक बीजेपी के नेता हैं उनकी मौत हो गई। उसके बाद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से गुंडा राज स्थापित हो गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब हमने बात किया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से, क्या कुछ कर रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे, आपने सुना इस वीडियो में। उनका साफ शब्दों में कहना है कि उन लोगों का राज आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, पहले क्या था वो भी तो देखिए, क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टूडियो, धन्यवाद।